क्रिकेट के मैदान पर 300 रन का स्कोर बनाना एक वक्त बहुत ही मुश्किल माना जाता था और ऐसे स्कोर को चेस करना हर टीम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता था। आजकल हर दूसरी टीम स्कोर बोर्ड पर 300 का आंकड़ा टांग रही है। इन क्रिकेट टीम्स में इंग्लैंड टीम जिसकी मानो आदत हो गई हो 300 का आंकड़ा छू जाना। वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ 6 विकेट पर 397 रन का स्कोर खड़ा किया। एक बार फिर इंग्लैंड ने 300 रन बनाए। अभी के समय के प्रदर्शन को देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे 300 रन बनाना इंग्लैंड टीम की आदत में शुमार हो गया हो। इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम ने कुल 5 मुकाबले खेले हैं। इनमें से 4 में उसने 300 से अधिक का स्कोर खड़ा किया है। जिस एक मुकाबले में टीम 300 रन नहीं बना सकी और वो मुकाबला था वेस्टइंडीज के साथ। इस वर्ल्ड कप में अभी तक कुल 14 बार 300 का आंकड़ा पार हुआ है। इनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 10 बार 300 से ज्यादा का स्कोर बनाया, जबकि 4 टीमों ने बाद में बल्लेबाजी करने के दौरान यह आंकड़ा छुआ। दिलचस्प बात यह है कि साल 2015 के बाद से इंग्लैंड की टीम ने लगातार कई मैचों में 300 से ज्यादा का स्कोर बनाया। पिछले 4 साल में इंग्लैंड ने 93 मैचों में से 42 मैचों में 300 पार का स्कोर बनाया। 2015 के बाद भारतीय टीम इस सूची में दूसरे स्थान पर है। भारत ने 90 मैच खेलकर 23 बार 300 से ज्यादा रन बनाए। वनडे क्रिकेट इतिहास का सबसे पहला मुकाबला 1971 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, लेकिन वनडे में 300 रन उसके 4 साल बाद बने। 7 जून 1975 को इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ लॉर्ड्स पर 4 विकेट खोकर 334 रन बनाए। संयोग से इसी दिन न्यूजीलैंड ने बर्मिंगम में ईस्ट अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट पर 309 रनों का स्कोर खड़ा किया। जल्द ही ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की टीमें भी इस क्लब में शामिल हो गई। लेकिन 70 और 80 के दशक में तब जितने भी देश टेस्ट क्रिकेट खेला करते थे उनमें भारतीय टीम ही ऐसी थी जिसने वनडे क्रिकेट में सबसे बाद में 300 पार का स्कोर बनाया। भारतीय टीम ने यह मुकाम 1996 में पाकिस्तान के खिलाफ शारजाह में हासिल किया था। तब भारत ने 5 विकेट खोकर 305 रन बनाए थे। उसके बाद से दिसंबर 2017 तक भारतीय टीम ऐसी पहली टीम बन गई जिसने वनडे में 100 से अधिक बार 300 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं नेहा सूद, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज क्रिकेट केसरी को लाइक कीजिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल क्रिकेट केसरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।